Assalamualaikum, welcome back to another vlog. आज मैं आई हूँ अपनी बड़ी सिस्टर के घर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ का व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और उनका घर दिखाऊँगी. तो चलें चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है. चलें हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. ये स्टार्ट है भाजी के घर का. ये ड्राइंग रूम है बाजी का. ओवरऑल व्यू आपको देती हूँ. वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िक की नज़र आती रहेंगी क्योंकि सिंगर जो है वो म्यूज़िक पसंद करते हैं, प्ले भी करते हैं. तो कहीं ना कहीं आपको म्यूज़िक की चीज़ें भी नज़र आती रहेंगी. और अपना एक म्यूज़िक रूम भी है. चले चलते हैं, देखते हैं बाजी क्या कर रही हैं. हाँ जी, क्या हो रहा है, क्या बना रही हैं? इसका बनाना है क्या? ये चिकन था. अच्छा, खाने का कुछ चिकन का बनना चाहिए. कल भी बना था, कल भी पुलाव था. ये देखें, ये है मिकाल. मिकाल कहाँ भाग रहे हैं आप? हाय तो कर दे. हेलो, हाय एवरीवन. ये मेरा साथी है, ये मेरे बड़े काम करता है. बहुत प्यारा बच्चा है ये, और बहुत ही सिंपल. चलें आपको एक रूम और दिखाती हूँ जो कि अभी इस वक्त तो बड़ा मैसी हुआ हुआ है क्योंकि मेरी नीस ने अभी जो है अपने कपड़ों का ब्रांड स्टार्ट किया है लेस फॉर ग्रे. तो आप देख सकते हैं कि बहुत मैसी है, लेकिन के जो है म्यूजिक रूम भी यूज़ करते हैं. सही पे आप उनका पियानो देख सकते हैं. हर जगह आपको म्यूज़िक की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, कुछ ना कुछ, बहुत पुरानी, कुछ बहुत नई, हर चीज़ आपको मिलेगी. मैं आपको टेरेस दिखाती हूँ. ये वो जगह है जहाँ पे हर वक्त हम लोग बैठते हैं. इंतहाई पुरसकून, बहुत रिलैक्सिंग. हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें चलती हैं सारी सारी रात बैठ के. बहुत मज़े करते हैं हम इस जगह. आपके घर के टूर करवा रही हूँ मैं. उन लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं. क्यों नहीं दिखाएंगे. चलें बाजी का रूम भी दिखाते हैं. ये बाजी का रूम है. ये देखें, असल चीज ये है इस रूम में. वैसे आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ज़ाहिर है मैं आई हूँ बहन के घर पे, तो उनका घर भी दिखाते हैं, क्या पकाएंगे ये भी दिखाएंगे. तो
मजा आने वाला है आप लोगों को आज। मैंने कहा था आप लोगों से कि बाजी के घर का ब्लॉग करूंगी तो आपको जरूर शामिल करूंगी उसमें, तो आज मैंने कर लिया है। चलें अब मिकी का रूम दिखाते हैं कि मिकी का रूम ये बहुत क्यूट है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मिकी एंड नूर्स होम, बहुत प्यारा। ये है मिकी का रूम। मिकी क्या हो रहा है? आज खाला ने छोड़ना नहीं है आपको, हर जगह पकड़ लेना। मैंने कहा था ना आप लोगों को हर जगह आपको म्यूजिक की चीजें नजर आएंगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ म्यूजिक से रिलेटेड नजर आएगा। तो आज जो है वो आपको यहाँ पे कीबोर्ड भी नजर आया है, एक पियानो दिखाया है मैंने। मैं क्या कुछ प्ले करके दिखाऊं ना उस पे गिटार जो आप बजाते आजकल ये गिटार के क्लासेस ले रहे हैं, उसका एक अलग करेंगे, ठीक है मिकाल? मिकाल के रूम में मुझे एक ये चीज पसंद है कि इन्होंने लाइट्स बहुत अच्छी लगाई हुई है, इन्होंने अपने मतलब का सजाया हुआ है मिकी ने। और मिकी की आपको मैं पिक्चर भी दिखाती हूँ, उनके बचपन के बहुत क्यूट पिक्चर। मिकी बहुत क्यूट था, अभी भी बहुत क्यूट है। ये देखें आज मैंने एक एक चीज आप लोगों को दिखाई है। अब एक रूम रह गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसका है वो भी तो नहीं है, लेकिन ये है मेरी नीस का रूम, आप देख सकते हैं। रूम की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ये वॉल, मुझे बड़ी पसंद है, इसमें जिस तरह बनाई दी है ये वॉल बहुत प्यारी लगती है मुझे। I love it। ठीक है ये है ओवरऑल लुक। चले अब हम रेस्ट करते हैं, अब थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि आते ही मैंने जो है स्टार्ट कर दिया कि कर दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा था मैं दिखाऊंगी। तो अब जो है थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर देखेंगे बाजी किचन में क्या कर रही हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी गपशप किचन में लगाएंगे, ठीक है? और मैं बैठी थी यहाँ पर, मैं भी किसी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी बाजी के घर गई तो आपको वहाँ पर एक सरप्राइज़ ज़रूर दूँ। सरप्राइज जो है वो भी आपको आज मिलने वाला है, तो देखते हैं अभी कितने देर में वो सरप्राइज आपको मिलेगा। तो वेट, चलें देखते हैं। अभी बेल हुई थी थोड़ी देर पहले, तो कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। ये है सरप्राइज वो नवाज सईद। बहुत बड़ा सरप्राइज, क्या हाल है बेटे? हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू। ये सरप्राइज है, और आप देखिएगा आज का जो व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि खूब सारी बातें होंगी और मजे मजे का टाइम स्पेंड करेंगे नवाज के साथ, ठीक है?